शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दर्शकों नमस्कार, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय वीरे। दर्शकों, इस समय में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारत भर से दो ऐसे मेहमान जुड़ चुके हैं जिनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे मेहमान ईशु बंसल साहब, और दूसरे हरियाणा से हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं जगजीत सिंह धालीवाल साहब। मैं दोनों का भी इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे जो मेहमान है ईशु बंसल साहब, जो कि आप दिल्ली से हो, दर्शकों मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि 2011 में सर आपने इंजीनियरिंग पूरी की है, साथ ही साथ ट्रक सुविधा में आप काम कर रहे हो और पूरे देश से आपने 40,000 ट्रांसपोर्टर से आप जुड़ चुके हो और आपका काम बेहतरीन काम इस पूरे भारत वर्ष में चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमारे दूसरे जगजीत साहब धारीवाल साहब वे भी जुड़ चुके हैं। आइए पहले उनसे भी बात करते हैं। धारीवाल साहब, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? धारीवाल साहब, क्या आवाज आ रही है मेरी? कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ चुका है, बहुत जल्दी वो सॉर्ट आउट होने वाला है और फिर से हम जैसे हमारे से संपर्क होगा हम जगजीत साहब से इनसे बात कर देंगे। उससे पहले मैं हम रुक करना चाहेंगे ईशु बंसल साहब के पास। ईशु बंसल साहब, आप ये बताइए कि ऑनलाइन एक ऐसा शब्द जो आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कामकाज में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, बावजूद इसके कि ट्रांसपोर्टेशन में जनता को ऑनलाइन से किस प्रकार की पहले ये बताइए कि दिक्कत आती है। बंसल साहब सर, ऑनलाइन देखिए, आज की तारीख में हमारा मोबाइल, हमारे रोजमर्रा की सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जब एक ट्रेन टिकट, जब एक बस का टिकट, जब एक हवाई जहाज का टिकट ऑनलाइन बुक हो सकता है, तो ये ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं बुक हो सकता? इस मंशा के साथ, इस सोच के साथ हमने ट्रक सुविधा का स्थापित की थी। ट्रक सुविधा 2014 में स्थापित की थी हमने जी। और उस चीज को स्थापित करने के बाद हमने ट्रांसपोर्टरों को समझाया, ट्रक ड्राइवर्स को समझाया, ट्रक ओनर्स को समझाया कि आप ऑनलाइन आके अपना ट्रक डायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट इंडस्ट्री आपके साथ मेल मिलाप कर सकती है। मान लीजिए अगर आप क्षेत्र मुंबई से लेकर आप दिल्ली आए, दिल्ली से अब आपको वापसी मुंबई जाना है, अब आपको दिल्ली में अगर मेटेरियल ढूंढना है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से कंपैरेटिवली ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं, जो कि अगर हम देखेंगे कि अगर हम एक क्षेत्र में स्थित हैं या एक क्षेत्र में रुके हुए हैं तो हमें कम लोगों से मुलाकात हो पाती है। तो ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं पर भी हैं, आप इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, किसी भी के भी संपर्क में आ सकते हैं। तो हमारी सारी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री क्यों ना आगे बढ़े? ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ही एक इस चीज का लेके आया गया। सर, ये भी देखने में आया कि जिस प्रकार से आप ट्रक सुविधा, अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे टू व्हीलर की किसी को सुविधा दी जाती है, फोर व्हीलर की दी जाती है, तीन पहिए वाले जो होता है ऑटो उसकी भी सेवाएं दी जाती है, मगर ट्रक एक ऐसा कि जो सामान को शिफ्ट करने के काम काज आता है, कई ऐसे काम काज जाए मंडी में जाना हो, तो ये जो ट्रक सुविधा की जो कॉन्सेप्ट आपके मन में जो आई वो कैसे आई है, इसके लिए किसी की कोई प्रेरणा आपसे मिली है, कैसे इंस्पायर्ड हुआ है, आप क्या कहना चाहोगे, या आपके दिमाग में बात कैसे कि ट्रक सुविधा ये लोगों को मिलना चाहिए? आपने जो कामकाज बहुत बेहतरीन आपका काम है, क्या आपका अनुभव क्या शेयर करते हो हमारे दर्शकों के साथ, प्लीज बंसल साहब। ये एक ऐसी चीज है ट्रक सुविधा जो हमने लॉन्च करा, वो इसलिए लॉन्च करा क्योंकि एक समस्या थी जो हम खुद ही महसूस कर रहे थे जी। मैं अपने छोटे समय पे जब मैं अपनी फैक्ट्री पे जाता था, मेरे दूसरे को फाउंडर जब अपनी फैक्ट्री से सामान इधर से उधर मूव कराना होता था, तो हम हमेशा ये देखते थे कि जो ट्रक वाले हैं वो आ रहे हैं, सामान लोड करने आ रहे हैं, फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं एक जगह जाके ट्रक पार्क कर रहे हैं, फिर दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन तक इंतजार कर रहे हैं, वापसी का माल नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। गलती का नाम गाड़ी बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में। अगर गाड़ी चल नहीं रही तो कोई फायदा नहीं है, खाली गाड़ी खड़ी करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी गाड़ी चली, आपकी गाड़ी ने माल लोड करा, मैक्सिमम एक दिन के अंदर आपको वापसी का माल मिलना चाहिए, ये एक सोच थी हमारी। और यहीं पर इंडस्ट्री को ये समस्या आती है कि
ट्रक खाली खड़ा है, वहीं पे हम इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री को ट्रक नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप तो है आपस में। ट्रक ड्राइवर को इंडस्ट्री नहीं मिल रही, इंडस्ट्री को ट्रक ड्राइवर नहीं मिल रहा, जी, एक दूसरे को आपस में मिलाना बहुत जरूरी है। यही एक सोच के साथ हमने शुरू करा कि अगर हमें समस्या हो रही है तो आने वाले या और जो लोग हैं, जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, 1.5 करोड़ के अराउंड ट्रक्स हैं छोटे बड़े मिला के, उन सबको भी समस्या आती होगी कहीं ना कहीं, तो इस समस्या का समाधान क्यों ना किया जाए। बिल्कुल 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 सर, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन में जनता को ऑनलाइन से क्या दिक्कत आती है। हेलो हेलो, हाँ जगजीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी आवाज हमें हम तक पहुंच रही है क्या? धालीवाल साहब, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही, क्या हमारी आपको आवाज आ रही है क्लियर? बहुत बढ़िया, सुनने में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल हम आपके साथ में जो बातचीत करें उनकी बात थोड़ा कम कीजिए, उनको बंद कर दीजिए, कोई बात कर रहा है घर में परिवार के कोई लोग, उनको शांत रहने को। हाँ बोल दीजिए, आवाज आ रही है तो आवाज चालू हो जाना अभी, उनके आवाज शांत हो जाना। अच्छा ठीक है, चलो ये काफी अच्छी बात है कि हमारे दूसरे मेहमान जो कि हरियाणा से जगजीत सिंह साहब धारीवाल भी जुड़ चुके हैं। धारीवाल साहब मुझे ये बताइए कि एमपी से, एमपी से हो, चलो क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार, बिल्कुल इंदौर से आप हो, एमपी इंदौर से, काफी अच्छी जानकारी आपने दिया, आपका क्या अनुभव रहा है? हमारा अनुभव तो रहा है जैसे पहले जो काम चल रहा था ट्रांसपोर्ट का, जी जी बहुत अच्छा था। अच्छा, हम सेल्फ मेड है, खुद ट्रक चलाया, सब तजुर्बा है काम करवाने का चलने का। अभी जैसे हम गाड़ी से उतर गए तो ड्राइवर से संभलता नहीं है, वो इसलिए कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। जी बिल्कुल, वो तो सवाल और सहूलते नहीं है, जैसे मान लो रिश्वत तो इतनी है, गाड़ी रोड पे खड़ी कर दी, ड्राइवर जरा सा गया हमें मिलने आया तो पुलिस वाले कागज ले जाते हैं, कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, इतना हम लोग टैक्स देते हैं जी, उस हिसाब से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही। जैसे हर एक सिटी में अच्छी बड़ी पार्किंग हो जहाँ पे ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके मालिक से जहाँ अपने घर पे चला जाए जी, वहाँ चौकीदार रहते हैं सब, भले उसका पैसा लें मगर जगह ही नहीं है, किसी सिटी में ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा के ड्राइवर घर पे चला जाए, ड्राइवर भी इंसान है उसको भी रेस्ट चाहिए, फिर उनको क्या नहाने धोने के लिए कहीं भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, जब इतना टैक्स देते हैं तो कम से कम गवर्नमेंट को इतना सोचना चाहिए इस धंधे के बारे में, तो गवर्नमेंट का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। हमने सेल्फ मेड चले हैं, पहले जैसे आरटीओ खड़ते थे, आरटीओ के गुंडे खड़ते थे, हम 5-7 ट्रक साथ में लेके चलते थे, हम किसी को एंट्री देते नहीं थे जी, वो थे कि हम खुद चलते थे, अभी ड्राइवर हमारे जितना नहीं कर सकता, वो बोलता मेरे को क्या जरूरत है झगड़ा करने, फिर ड्राइवर गाड़ी रोड पे खड़ी करके चला जाता है, डीजल चोरी हो जाता है, फिर हम उसको बोलते हैं तैने बेच दिया होगा। इसलिए इस धंधे में अभी बहुत चोरी और रिश्वत बढ़ गई है। नंबर 2, जब हम टैक्स पूरा देते हैं तो हमसे टोल क्यों लिए जाते हैं, हम रोड बढ़िया का ही हम देते हैं ना इनको टैक्स, गवर्नमेंट को जो हम टैक्स रोड टैक्स देते हैं, डीजल के ऊपर टैक्स देते हैं, माल के ऊपर टैक्स देते हैं, गाड़ी लेते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, इतना टैक्स देने के बावजूद हमसे टोल भेज लिया जाता है, जितना ट्रांसपोर्टर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं मेरे हिसाब से तो नहीं देता एक गाड़ी के पीछे देखें, इसलिए सुविधा तो हमें मिली नहीं रही। अच्छे जो लोग ड्राइवर हैं अच्छे घर के, अभी तो ड्राइवरी पे आते नहीं है, वही जो है बेचारे गरीब, मतलब नहीं जिसको काम मिलता वही ड्राइवरी पे आते हैं, नहीं तो जैसे हमारे टाइम पे तो ये बहुत अच्छा काम था, हमने खुद 15 साल ट्रक चलाया, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से चलाया। सर इसके रोकथाम कैसे कर पाएंगे? हाँ जी, आपने जो समस्याएं जो थी, हाँ जी, समस्या किस प्रकार की आ रही है इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, इसके बारे में आपने जो बात बताया है, इसका सोल्यूशन कैसा हो निकल सकता है, तो इसकी रोकथाम कैसे होगी?
इसकी रोकथाम नहीं होगी जब तक रिश्वत नहीं बंद होगी, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। अच्छा। हमारे जैसे हमारे बॉर्डर पे जो तो एंट्री देता है जिसकी मंथली जाती है उसका ट्रक छोड़ा जाता, जिसकी नहीं उसको रोका जाता। वो बोलता किस बात का, बोले आपके वर्दी नहीं है, आपकी लाइट नहीं है, उससे मतलब डिस्टर्ब करके उसको फिर छोड़ा जाता और पैसे भेज लिए जाते हैं। इसलिए जब तक रिश्वत बंद नहीं होती तो हमारी सुनवाई नहीं होगी। जब ऊपर तक पहुंचती है रिश्वत, मान लो आप ही हैं सीएम, आपको पैसा पहुंचता था, आप हमारी सुनवाई कहां से नहीं होगी। हमारा जब कोई मिनिस्टर हो हमारे आगे हो, हमारी एकता नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं, जो आगे सरकार था उसको ही कोई ना कोई करके उसको फंसा देते हैं। इसलिए जो ट्रांसपोर्ट महकमे में एकता होनी जरूरी है और हमारी आप लोगों की आवाज वहां पहुंचाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके आवाज वैसे भी अक्सर पहुंचाते रहते हैं और ये हमारा सौभाग्य होगा कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए हमारा जो कामकाज है वो आप लोगों का अच्छा जीवन समर्थन होना चाहिए, आप लोगों को सभी सुविधाएं मिलना चाहिए, आपका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आज ये पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। मगर इसी रीढ़ की हड्डी को कोई कमजोर करने की जो कोशिश कर रहा है उससे यदि बहुत बुरी बात आने वाले भविष्य में हो सकती है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री यदि बंद होगी वो दिन आने वाला बहुत ही खराब होगा। मतलब मैं क्या बताऊं उसके बारे में कि लोग समझ ही नहीं सकते, इतना नुकसान उठाना पड़ेगा, बेरोजगारी का आलम बढ़ेगा। अब मैं मेरे इशू बंसल हमारे मेहमान के पास फिर से एक बार रुक करूंगा। इशू बंसल साहब, आपने जिस प्रकार से जगजीत सिंह धारीवाल साहब जो कि हमारे से एमपी इंदौर से जुड़ चुके हैं उनकी आपने बात सुना, आपको क्या लगता है, आप कितना इत्तफाक रखते हो उनके बातों से, या आपको कुछ कहना है इस बारे में, क्या कहना चाहोगे आप? सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जगजीत जी की बात से कि रिश्वतखोरी चलती है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, परेशानियां हैं, ड्राइवर्स को परेशानियां होती हैं। जैसे सर ने बताया कि वो सेल्फ मेड हैं, उन्होंने पहले खुद ड्राइवरी करी, खुद ट्रक खरीदे, फिर उसके बाद करा। बिल्कुल स्वाभाविक है, जो एक ओनर काम कर सकता है वो कभी भी ड्राइवर शायद नहीं कर पाए। बट इस इंडस्ट्री में ये चीजें आने वाले समय में कम होंगी, प्रशासन सुन रहा है चीजों को, बट इम्प्लीमेंटेशन लोकल पे जब तक नहीं होगा, ग्राउंड पे नहीं होगा, तब तक उसका इम्पैक्ट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अभी क्या होता है, ये रिश्वतखोरी कहीं ना कहीं हमारी नसों में घुस चुकी है। हम सोचते हैं कि अगर हमें जल्दी जाना है, हम उससे बात करने की जगह आरटीओ का है कोई बंदा या कोई प्रशासन का बंदा खड़ा है, हम सोचते हैं कि जल्दी जाना है ना, 150 रुपए पकड़ा दो और आगे जल्दी से बढ़ जाओ। तो ये समस्याएं हमें अपने लेवल पर भी कहीं ना कहीं सेटल करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ऐसा आपका कहना है। मेरा एक सवाल है इससे, और भी एक सवाल था कि ट्रांसपोर्टेशन में जनता को जो ऑनलाइन से जो दिक्कतें आती है वो किस प्रकार की आती है, और इन दिक्कतों को उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, क्या कहना चाहोगे इशू बंसल साहब? सर, आज की तारीख में ऑनलाइन में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन देखना चाहेंगे, या अगर मैं एक इंडस्ट्री हूँ, मैं ऑनलाइन विजिबिलिटी देखूंगा जी, तो ऑनलाइन विजिबिलिटी में ट्रक ड्राइवर तक डायरेक्ट पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है। बीच में काफी सारे और लोग होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं और उन तक आप डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते। जी जी, सबसे बड़ा महत्व अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं या अगर हम किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, तो एंड यूजर जो प्रोवाइड कर रहा है, जो ड्राइवर कम ओनर है या जो ड्राइवर है या जो फ्लीट ओनर है, उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बिजनेस को सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उसने देखा ऑनलाइन किसी का नंबर मिलाया, अब वो कहता है जी मैं बताता हूँ कि मैं ट्रक देख के बताता हूँ। अब उसके पास ट्रक अवेलेबल नहीं है तब भी वो ये कहता है कि मैं बताता हूँ। बट जब आप डायरेक्ट ओनर तक पहुंच पा रहे हो तो वो आपकी समस्या का समाधान है, वो सबसे एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो डायरेक्ट फ्लीट ओनर तक पहुंचना या डायरेक्ट फ्लीट ओनर की अवेलेबिलिटी होना ऑनलाइन, वो नहीं है आज की तारीख में। मैंने आपको जैसे बताया कि लगभग हम बात करते हैं तो 1.2 करोड़ ट्रक के अराउंड हैं जो फुल ट्रक में काम करते हैं, और अगर मैं ढूंढने जाऊं आज की तारीख में कि मेरे को अगर एमपी से ही माल चाहिए और मेरे को नहीं पता कि ट्रांसपोर्टर कौन करता है या कौन सा ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, तो मेरे को शायद नहीं मिल पाएगा, मैं ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। और वहीं पर अगर मेरे को तवज्जो में ये मिल जाए कि कौन सा ट्रक वापसी जा रहा है, वो तो शायद मैं बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकता ऑनलाइन। तो इसी महकमे के साथ चले हैं कि इनको तक पहुंचा जाए। लेकिन ट्रक ड्राइवर को जो तकलीफ होती है तो वो ऑनलाइन से इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं बंसल साहब?
सर ट्रक ड्राइवर को जो तकलीफ होती है कि ऑनलाइन अगर वो जा रहे हैं कि जैसे रोड पे कोई तकलीफ हुई, अगर रोड पे वो चल रहे हैं उस टाइम पे कोई अगर रिश्वतखोरी कर रहा है या मांग रहा है, तो उसकी एक हेल्पलाइन नंबर है, जैसे हमारा भी है, हम भी कई बार उनके लिए काम करते हैं कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप समस्या बताएं और उस समस्या को हम आगे प्रशासन के साथ लेके चलते हैं। कई बार कई सारे ड्राइवरों को उन्होंने अपनी अर्जी अर्ज कराई, अभी जैसे मैं लॉकडाउन का आपको बताता हूँ कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस टाइम पे ड्राइवर्स को काफी ज्यादा समस्याएं आई, जब 22 तारीख को सरकार ने बोल दिया कि बिल्कुल चक्का जाम, कोई भी चीज कहीं मूव नहीं होगी, तो बहुत सारे ट्रक्स थे जो ट्रांजिट में थे और वो वहीं रुक गए। तो उसके बाद हमने ड्राइवरों के लिए एक लॉन्च किया कि आप अगर कोई भी समस्या हो रही है, अगर आपको वापसी जाना है, आपको मटेरियल लोड नहीं हो पा रहा, अनलोड नहीं हो पा रहा, तो आप हमें कॉल करें और हम सीधे के सीधे प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाएंगे। तो उसमें लगभग 783 व्हीकल वालों की हमने मदद करी एक हफ्ते के अंदर और वो अपने घर तक पहुंच पाए। वो ऐसे ही संभव हो पाया जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से साझा करी और उन्होंने बताया कि हमें ये समस्या हो रही है। अगर वो ये नहीं बताएंगे कि हमें समस्या क्या हो रही है तो शायद हम भी उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने कि यदि वो बताएंगे नहीं तो काम काज कैसे चलेगा, जब तक वे बताते नहीं तब तक ये बात समझ में आती नहीं। ये काफी अच्छी जानकारी आपने दी। हमारे मेहमान जगजीत सिंह साहब, मैं धारीवाल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। धारीवाल साहब ये बताइए कि लॉकडाउन के दौरान जो कामकाज इस लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के साथ में हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी तकलीफें उठाने पड़ी आपको लॉकडाउन में, कितना नुकसान हुआ है? इसमें तो नुकसान है, जैसे जो ड्राइवर थे वो कैसे भी करके अपने घरों पे पहुंच गए जी, गाड़ियां सब खड़ गई, फिर उनको आने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था। गवर्नमेंट ने तो चालू कर दिया कि लोडिंग अनलोडिंग चालू, ट्रक चालू हो गए, ट्रक तभी चलेंगे अगर उनको चलाने वाले आएंगे। वो चले गए घर कैसे भी करके, वो बेचारे बहुत परेशान है। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसा था ही नहीं, जैसे मान लो आप टीवी पे भी देखते हो कि मजदूर कैसे जा रहे थे, ड्राइवर भी बेचारे ऐसे ही कैसे भी करके टैक्सियां करके 4-5 ड्राइवर इकट्ठे होकर घर पे पहुंच गए। अभी उनको ड्राइवर के पास इतना पैसा नहीं रहता कि स्पेयर, अगर उसके पास पैसा हो तो ड्राइवरी नहीं करेगा, वो ड्राइवरी मजबूरी में करता है। अच्छा आदमी जो सॉलिड है उसको घर वाले भी, जैसे पहले हम पंजाब से आए थे, हमें घर वालों ने भेजा था, अभी पंजाब में किसी को बोलते हैं कि चलो ड्राइवरी करने, बोले इससे तो अच्छा कि खेती कर लेंगे और कोई काम कर लेंगे। इसको अच्छे नजरिए से ना तो पुलिस वाले देखते हैं ना व्यापारी देखते हैं, बिल्कुल इसको चोर समझते हैं। जब ये ईमानदार और मेहनती है, जैसे फौजी है, वो देश के लिए फौज, वहाँ फौज में भर्ती होता, बॉर्डर पे लड़ता है, मर जाता, गवर्नमेंट उसकी मदद करती है, अपन भी सहानुभूति करते हैं। ड्राइवर मर जाता तो इसके तरफ कोई गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, इसके बच्चे भले मरे भूखे कुछ भी हो, गवर्नमेंट का तो कोई है ही नहीं। मारमनी क्यों, इसको चोर की नजर से हर एक देखता, रोड पे कोई जाएगा मोटरसाइकिल वाला पीछे ठोक देगा, दारू पिया हुआ रोक के ट्रक को, वो तो देखेगा भी मर तो नहीं गया, देखेंगे उसको मार पीट करके पैसा छीन लेंगे। कार वाला पीछे मारेगा तो कसूर ट्रक वाले का। इसलिए इस इंडस्ट्री में अच्छे लोग नहीं आने चाहते, कोई भी नहीं आता। अगर अच्छे लोग नहीं, पढ़े लिखे नहीं आएंगे तो इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जैसे कोरोना है, अगर इसका टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो आपको और हमको मालूम है क्या हालत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये जो इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, इसको संभालना जरूरी है। अगर नहीं संभाली, फिर जब आदमी मरी गया फिर नौका की क्या जरूरत है, फिर तो फायदा ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, उसको उठाने में बहुत टाइम लगेगा। जो एक बार लोग इसमें सीख गए, मतलब घाटे में आ गए, दोबारा इसमें जल्दी आएंगे। देखो आप गवर्नमेंट को इतना सोचना चाहिए कि डीजल अभी क्रूड ऑयल सस्ता है तो ये डीजल के भाव फिर बढ़ाते जा रहे हैं। अभी देखते देखते मेरे एक महीने डेढ़ महीने के अंदर 10-12 रुपए लीटर बढ़ गया डीजल। डीजल और पेट्रोल एक ही भाव हो गया जी, बिल्कुल। बस तो पहले नहीं रहा, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, या तो गवर्नमेंट आंखें बंद करी हुई है, कान बंद कर रहे हैं कि सुनवाई नहीं है, जानबूझ के कर रही है, जहाँ भी गवर्नमेंट तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंच के ये इतने परेशान हैं। लेकिन मैं एक जगजीत सिंह साहब, पहले की जो सरकार थी उनमें भी क्या इसी प्रकार के काम काज होते थे? सरकार तो कोई भी आए उसमें कोई नहीं है,
हमारी कोई मोदी जी से ऐसा नहीं है, ना तो दोस्ती है ना हमारी दुश्मनी है जी। पहले भी मनमोहन सिंह जी भी थे, मगर जो जैसे आपको तब मालूम पड़ेगा अगर हम बताएंगे, अगर हम ही नहीं बताएंगे, हमें पैसा मिलेगा, मान लो आप सीएम है किसी भी स्टेट के, आपको बताने वाले तो हम ही है ना, हमें पैसा मिलता है तो फिर अब हमें जरूरत क्या बताने की, ऊपर तक बात ही नहीं हमारी पहुंचती। जैसे मान लो बीमा है, ड्राइवर मर जाता है, उसको कोई वो नहीं है, उसके बच्चे भले भूखे मरे, अगर कोई भूखा मरेगा चोरी चकारी करेगा तो अपने को लॉस ही है। अगर अपना गुआंढी पड़ोसी अच्छा खाना पीना खाता है तो अपने को बढ़िया है, अगर वो भूखा मरेगा तो अपना ही पहले घर लूटेगा ना, अपने को परेशान करेगा। इसलिए इस इंडस्ट्री में कितने लोग हैं, अगर ये फेल हो गए तो देखो बेरोजगार, बाकी इसमें ज्यादा पढ़ा लिखा हो वो भी चल जाता है, अगर अनपढ़ हो वो भी चल जाता है। जैसे मेरे पे लगाओ, मैं मैट्रिक करके आ गया था, मेरे शौक था भाई साहब के साथ, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम पहले ही था जी जी जी, मेरे से काम सिखाया, कंडक्टिंग करवाई, एक दो तीन जैसे सेल्फ मेड मैंने आपको बताया, बिल्कुल, इसलिए शौक था। बाकी रहता तजुर्बा, तजुर्बा है जैसे अपने घर वाले हैं, थोड़ी बहुत सिलाई करते हैं ना जी जी, एक दो मैं सिलाई करने लगा, मेरे से उसमें धागा नहीं डर रहा था, ये भी एक एक्सपीरियंस है, जिसको एक्सपीरियंस है वही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसको आगे नया ट्रक नहीं मिलेगा, नया कोई साधन नहीं मिलेगा, कोई लोन वोन नहीं होगा, वो भी क्या करेगा। करेक्ट, इसलिए ये इंडस्ट्री ज्यादा अनपढ़ों के हाथ में आ गई, कोई अपने आवाज आदमी बोलता अपन निको पैसा दे के निकल जाओ, दूसरा फंसता तो फंसने दो, इसलिए इसमें ये चलता, एकता नहीं है, और हमारा कोई आगे मिनिस्टर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मिनिस्टर तो पूरे भारतवर्ष का है, भारतवर्ष में तमाम 125 जो करोड़ लोग हैं उनके सब मिनिस्टर होते हैं, उनके कामकाज के लिए मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर की कोई ऐसा किसी का ऐसा इंडिविजुअल होता नहीं है, जो भी होता है हम सबका होता है, और उन्होंने काम करना चाहिए, क्योंकि अब तक के कई बार आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, इस विषय को बार बार उनके उन तक पहुंचाया है, मगर अफसोस के ढाके 3-5 जैसे उनका काम अब तक के रहा है, उन्होंने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के और पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। कहने का तात्पर्य है कि उतने वर्षों से उन्हें जो समस्या आ रही है उस समस्या का हल अब तक वे नहीं कर पाए, उसका आंसर उन्हें नहीं मिला है, ये सबसे बड़ी एक बात है। मैं फिर से एक बार हमारे दिल्ली से जुड़े हुए इशू बंसल साहब आपके पास आता हूँ। बंसल साहब, ये बताइए कि ट्रक ड्राइवरों को जो जैसे डायरेक्ट में यदि कोई ट्रक ओनर है वो इंडस्ट्री के साथ यदि जुड़ना चाहे तो किस प्रकार से जुड़ सकता है? इसी के लिए ही हमारा प्लेटफॉर्म है। सिंपल सी चीज है, आज की तारीख में अगर ट्रक ओनर है, अगर जैसे हम बात करते हैं तो ट्रक ओनर डायरेक्ट किसी का माल चाहता है तो उसे नहीं पता होता कि कौन सा मटेरियल कहाँ से निकल रहा है, कौन सी इंडस्ट्री से निकल रहा है, या कौन सा व्यापारी कहीं से माल भेजना चाहता है। आज की तारीख में मोबाइल फोन सबके पास है, अगर इंटरनेट नहीं है मोबाइल फोन में तो मोबाइल डायल करना तो सबको आता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डायल करो नंबर 88-82-08-08-08, जहां पर आप खड़े हो वहां की लोकेशन बताओ और माल पाओ, सीधा सीधा है, बटन दबाओ ट्रक बुलाओ। सेम इंडस्ट्री के लिए है, इंडस्ट्री को दिखता रहता है कि कौन सा ट्रक कहाँ जा रहा है। अगर कुछ लोग हैं जो अच्छे पढ़े हैं या जो मोबाइल चलाते हैं, जिन्हें एप्लीकेशन चलाना आता है, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपना ट्रक रजिस्टर करें और उसमें डालें कि मैं आज यहाँ हूँ, 2 दिन बाद यहाँ पे होऊंगा, 4 दिन बाद यहाँ पे होऊंगा, और उसके अकॉर्डिंग एक प्लानिंग में चलें जो एक ऑर्गेनाइज हो सकती है इंडस्ट्री। ठीक है, हमें, मैं मानता हूँ कि अपने भाई बंधु इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बट मनोरंजन के लिए तो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अगर हम मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो काम के लिए क्यों नहीं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं। तो अगर आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, मोबाइल नंबर डायल करो या सीधे सीधे एप्लीकेशन पे डालो कि मेरा ट्रक यहाँ पे अवेलेबल है, मैं माल ढूंढना चाहता हूँ, इंडस्ट्री डायरेक्ट संपर्क करेगी, डायरेक्ट आपको माल मिलेगा, और इंडस्ट्री को तो डायरेक्ट जुड़ना चाहती है इंडस्ट्री फ्लीट ओनर के साथ। मैं एक आखिरी का सवाल करना चाहता हूँ बंसल साहब, कि आपने जिस प्रकार से बोला कि कई ऐसे लोग हैं जिनको एप्लीकेशन के बारे में नहीं समझता है, मोबाइल होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा लोग हैं कि जिनको नहीं समझता है या समझना चाहते हैं लेकिन नहीं उनके पल्ले पड़ता है, क्योंकि वो आना इनकमिंग आउटगोइंग यहाँ तक सीमित होते हैं। अभी एंड्रॉइड का पूरा जो टेक्निकली जो मामला है वो बड़ा वास्ट है, बड़ा हुआ है। ऐसे में आपकी ओर से ऐसे लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन जो मोबाइल
के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, उनको पूरा इस बात से अवगत कराने के लिए या उनको ज्ञान देने के लिए क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास भविष्य में होगा? इस दिशा में आप क्या काम करना चाहोगे बंसल साहब? सर, इस विषय में हम ना कि केवल ट्रक ड्राइवर, फ्लीट ओनर, बल्कि उनकी परिवार के लिए भी काम करते हैं। जैसे हमारे कई सारे ट्यूटोरियल्स हैं जो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाए कि अगर आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे, अलग अलग भाषा में अवेलेबल हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, मलयालम में, तो जिससे कि आपको भाषा की दिक्कत ना हो आप वो डाउनलोड्स कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या आ रही है, मेरे को मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता, ठीक है, बट आपको फोन मिलाना तो आता है, आप फोन मिला ही रहे हैं, तो आप फोन मिलाइए, सीधे के सीधे फोन मिला के आप सारी की सारी जानकारी, पूरा सिस्टम होता है, सिस्टम आपको सारी जानकारी देगा, बंदे बैठे हुए होते हैं, कहीं पर भी आपको कोई समस्या हो रही है फोन मिलाइए, जानकारी पाइए, ये एक है। दूसरा, हम कई बार हर साल कुछ ना कुछ प्रतियोगिताएं करते हैं ट्रक ड्राइवर्स के बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, कि आप हमारे साथ जुड़िए। जैसे हमने पहले पास्ट में करी रोबोटिक्स की प्रतियोगिता, ट्रक ड्राइवर के जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर उनका रोबोटिक्स में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है तो वो छोटे छोटे रोबोट्स बनाए, रोबोटिक्स के बारे में जाने, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जाने कि क्या कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका भी एक आता है कि हम एक पिताजी हमारे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, बट अगर हमें कोई चीज नहीं पता तो उसके बारे में जान सकते हैं, हमें कोई तो है जो हमारे लिए काम कर रहा है। यानी आप इस बात को मानते हो कि आज ये जरूरत है समय की, कि आज सबको उसकी शिक्षा लेना बेहद जरूरी है। बिल्कुल जरूरत है सर, अगर हम शिक्षा समय के साथ नहीं बढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, वही ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिटी के साथ दिक्कत है। एग्जैक्टली योर ट्रूल इज रिंग, बहुत सही बात आपने कहा बंसल साहब, कि समय के साथ हमें बदलना होगा। जो समय के साथ बदलता है, समय उसी का साथ देता है, क्योंकि हमें चलना है साथ साथ। इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में हम है, जिसे आखिरी का सेगमेंट हम कहते हैं। इस अंतिम सेगमेंट में आप दोनों मेहमानों को, जो कि दिल्ली से और एमपी से हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, बंसल साहब और जगजीत सिंह धालीवाल साहब, आपको दो दो मिनट दिया जाता है इस समय में जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को भारतवर्ष के तमाम लाखों करोड़ दर्शक गौर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और सरकार के नुमाइंदे भी सुन रहे हैं, अधिकारी लोग भी सुन रहे, चाहे आरटी हो, चेक पोस्ट हो, या फिर कुछ मंत्री हो, संतरी हो, तमाम लोग गौर से आपको सुन रहे हैं। आखिरी के सेगमेंट में हम लोग हैं, आप दोनों मेहमानों को दो दो मिनट का समय दिया जाएगा और उसके बाद यह कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं जगजीत सिंह साहब से, जो कि एमपी इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगजीत सिंह साहब, यदि आपको सरकार को कुछ सुझाव देना है, दो मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं, क्या देना चाहोगे? आपका समय शुरू होता है अब। जगजीत सिंह साहब, हमारी तरफ से ये है कि इस इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अगर ध्यान नहीं दिया फिर पछताने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अभी से ही जो हमें तकलीफें हैं आपकी वजह से, आप पहुँचाओ, कोई भी पहुँचाओ, गवर्नमेंट तक पहुँचाओ, वो देखें सुने, नहीं तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे हमारे देखते देखते हमने बहुत पैसा कमाया इसी से, अभी तो क्या है, उतने रिश्वत, टोल टैक्स, डीजल इसी में है, सेवा ही कर रहे हैं, बेचने के लिए कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस इंडस्ट्री को थोड़ा ध्यान से देखें, हमारी मदद करें, हम नए ट्रक डालें, कामयाबी आएगी, अच्छा कमाए, गवर्नमेंट को भी अच्छा पैसा मिलेगा। अगर डीजल ज़्यादा, डीजल के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स भी दे रहे हैं, मेरे हिसाब से तो टोल टैक्स बंद ही होना चाहिए, जब रोड का पैसा दे रहे हैं तो टोल टैक्स क्यों लगे। इसलिए हमारी आवाज़ आप गवर्नमेंट तक पहुँचाओ, हमारी आवाज़ पहुँचती नहीं है, इसलिए बीच में ही गायब हो जाती है और सब बढ़िया चलता है। जैसे इतना बड़ा धंधा नहीं है, आज ट्रक डालो आज ही भर के इनकम आसी चालू होगी, अगर इंडस्ट्री लगाते हैं उसके लिए कच्चा माल खरीदो बनाओ फिर बेचने का फिगर, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही। खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, रिश्वत बहुत बढ़ गई है और हमें अच्छे नज़रिए से देखा नहीं जा रहा है।
अगर ट्रक वाला कोई अपने बच्चे का रिश्ता करता है उसको जल्दी करते नहीं है कि मालूम 100 ट्रक का 100 का 100 ही फाइनेंस है, इसके पास क्या है, वो पहले कर्जे का डूबा हुआ सबको मालूम है इस बात का, सबके पर्दे ही हैं। इसलिए कोई भी अच्छे नजरिए से देखता नहीं है, वो इसलिए नहीं देख रहा कि ये अभी घाटे में ज्यादा, और छोटी मोटी चीज वाला जरा सा भी कोई आ गया लग गया जैसे मैंने बताया तो ट्रक वाले के ऊपर हावी हो जाता है कि कसूर इसी का ही माना जाता कि जो सोल्यूशन है गवर्नमेंट ही निकाल सकती है, आप निकाल सकते हो, हम तो बता ही सकते हैं और हमारे हाथ में तो कुछ नहीं। यही हमारा तो कहना है कि इसकी तरफ गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देती, हमारे मिनिस्टर भी ध्यान नहीं देते, मालूम नहीं क्यों। जैसे आरटीओ है, आरटीओ खोतो रोड पे जाते नहीं है, बॉर्डर पे बैठते नहीं है, उनके गुंडे रहते हैं, अगर कोई ड्राइवर जरा सा करता तो उसको पीट देते हैं, वो तो बेचारा बोलते नहीं, बोले मैं क्यों मार खाऊं, हम तो ये युद्ध कर लेते थे, हम उस टाइम मालूम था कि ये रिश्वत लेते हैं कुछ नहीं कर सकते, अगर वो हमें अपलब्ध कोई ऐसा लफ्ज बोलते थे तो हम उनको सीधा कर देते थे, दम था। अभी कोई आदमी दूसरे के लिए कौन करता है, खुद अगर मरेगा तभी स्वर्ग देखा जाएगा। इसलिए वही बात है, इंडस्ट्री में अभी बहुत बहुत खराब काम हो गया जो कहने लायक ही नहीं। अभी बीच में कर्जा कितना है किसी से पूछ लो, कोई बताएगा नहीं, मैं भी नहीं बता रहा कि मेरे सर कितना कर्जा है कि मेरे को माल मिलना बंद हो जाएगा, अंदर ही अंदर सबको घुन लगा हुआ है। भले कोई 100 ट्रक का माल का ठीक है, 100 में से 10% लोग जो जिनकी बुकिंग है या जिनके अच्छे स्टाफ हैं वो कामयाब हैं, नहीं तो मतलब घाटा ही घाटा चल रहा है। कब तक, हम तो ये सोच रहे हैं अभी हमारा बच्चा है इस लाइन में नहीं है, वो आईटी लाइन में है, वो इसलिए नहीं है कि आप झूठ हमें बोलता, बहुत झूठ बोलते हो, गले में पैसे रहते हैं, सामने वाले को बोलते हैं पैसा नहीं है, क्या करें, हम जिसको वचन दिया उसको देंगे कि उसको देंगे। बिल्कुल, काफी अच्छी जानकारी आपने दिया है। तो आप थे हमारे साथ जुड़ चुके जगदीश सिंह साहब धालीवाल जो एमपी इंदौर से थे, इन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी, जानकारी देते हुए उन्होंने तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली, उसको तो मैं उनका विश्लेषण करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं और हमारे जो बंसल साहब है ईशु बंसल साहब जो कि ट्रक सुविधा काफी अच्छा कारोबार जो चलाते हैं और 40,000 के आसपास आज भारतवर्ष के ट्रक को मालिकों से ओनर से उनकी बातचीत है, उनके कामकाज है। बंसल साहब आपको भी 2 मिनट दिया जाता है, यदि आपके कोई सुझाव सरकार के लिए है तो वो क्या है, क्या कहना चाहोगे, आपका समय शुरू होता है अब। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि सरकार को सारी जानकारी है कि क्या सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा, क्या दिक्कतें हैं, और लोकल ग्राउंड पे अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, ड्राइवर्स को क्या दिक्कतें आ रही हैं, फ्लीट ओनर्स को क्या दिक्कतें आ रही हैं। सिस्टम को सही करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है तकनीकी विज्ञान लेके आना और टेक्नोलॉजी की मदद से सारे पहलुओं को जोड़ना। अगर हम बात करते हैं तो ट्रक ड्राइवर और एक फ्लीट ओनर अपनी भारत की इकोनॉमी की बैकबोन है, अगर पहिए रुक जाएं ट्रक के तो शायद किसी को खाना भी मुनासिब ना हो पूरे अगले दिन, हमारा सारा जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, खाने का, पहनने का, सब कुछ ट्रक से ही मूवमेंट होता है और भारत में सब कुछ इसी से ही मूवमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये करना चाहिए कि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कराया जाए या जो एग्जिस्टिंग कंपनीज काम कर रही हैं, चाहे प्राइवेटाइजेशन ना हो बट स्टिल उनको एक एटलीस्ट इंटरनल इंटरवेंशन दिया जाना चाहिए कि जिसके साथ वो एक दूसरे के साथ जुड़ पाए। टेक्नोलॉजी आए, आरटीओ, अब जैसे ईवे बिल आ गया था, ईवे बिल के माध्यम से भी बट फिर भी चेकिंग हो रही है, तो उन चीजों को प्रॉपरली किया जाए जिससे कि ये रिश्वतखोरी बंद हो। अगर आप जैसे आज ही अगर मैं देखता हूँ तो आरटीओ का ये आया कि टोल टैक्स पे, टोल नाके पे सारे के सारे आरटीओ खड़े होंगे और ओवरलोडेड ट्रक को बेसिकली पेनल्टी लगेगी। सारे टोल नाके टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आपके सारे टोल नाकों पे वे ब्रिज लगे हुए हैं, आपको बंदे खड़े करने की क्या जरूरत है, आप टेक्नोलॉजी लगाओ। अगर आपका वेट ज्यादा है, ओवरलोडेड ट्रक है तो ऑटोमेटिक चालान कटना चाहिए, ठीक है, आप अकॉर्डिंगली बनाओगे। अगर आप बंदा जहां पे भी लगाओगे, जहां पे मैनुअल इंटरवेंशन आ गए, वहां रिश्वतखोरी होगी ही होगी। रिश्वतखोरी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सिस्टम काम करे, कंप्यूटर रिश्वत नहीं लेगा लेकिन इंसान जरूर लेंगे। तो उस चीज को बदलने के लिए कंप्यूटर से कहीं ना कहीं मशीन को बदलना पड़ेगा, उससे
रोजगारी अच्छी बढ़ेगी। जो एक बंदा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है या जो युवा है, वो अच्छी रोजगारी पाएगा इसमें, नए कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स में पाएगा, टोल नाकों पे सही तरीके से काम करेगा, वो अलग मैकेनिज्म नहीं ढूंढेगा कि यार मैं ऐसे चोरी कर सकता हूँ, या ऐसे मैं 50 रुपए रोज के बना लूंगा, या ऐसे 100 रुपए पर ट्रक निकल रहे हैं, 1000 ट्रक निकले तो मेरे 10,000 रुपए बन गए, तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी उन चीजों से। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सरकार को करना बहुत जरूरी है, और आपस में एक दूसरे को जोड़ना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से अपना डेटा शेयर नहीं करना चाहती, मेरे स्टेट में कितने ट्रक पास हुए मैं नहीं बताना चाहूंगा, दूसरी स्टेट नहीं बताती। अगर आप ये डेटा एक सेंट्रलाइज सिस्टम में लेके आ जाओ, और ये ही डेटा पब्लिक का डेटा है, आप पब्लिकली अवेलेबल करा सकते हो जी। और अगर ये अवेलेबल हो जाए तो सबको बहुत फायदा है, इंडस्ट्री डायरेक्ट देख पाएगी ना कि कौन सा ट्रक कहाँ चल रहा है। बिल्कुल, क्या दिक्कत है उस चीज को करने में। अगर कहीं पर नॉर्म्स है तो आप नॉर्म्स लगाइए, वो चीज समझ में आती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट बनाइए सिस्टम, जितना ज्यादा मैनुअल इंटरवेंशन उतनी ज्यादा दिक्कत। तो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी हमारे दोनों मेहमानों ने दी है, जगजीत सिंह साहब धालीवाल साहब और ईशु बंसल साहब। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे दोनों मेहमानों ने जो दिल से जो बात कही है, आप भी पूरे गंभीरता से उनको ले। जैसे कि धालीवाल साहब ने जो कहा है कि इस इंडस्ट्री के और गवर्नमेंट ध्यान देना बहुत जरूरी है, और जो तकलीफें हमें जो आ रही है उसको दूर करना भी उतना ही जरूरी है। ये इंडस्ट्री, अदरवाइज ये इंडस्ट्री जो आज दिखाई दे रही है वो खत्म हो सकती है, बशर्ते हमें अच्छा काम करना होगा, इसके ऊपर में अमल करना होगा। या टोल टैक्स की बात है, रिश्वत की बात है, उसको भी दूर किया जाए, क्योंकि यही कुछ ऐसी छोटी छोटी जो बातें होती है जो खामियां बनकर सामने आ रही है, और इसी से ये पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स होते हुए नजर आ रही है। गवर्नमेंट को हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, और काम करने के लिए गवर्नमेंट को पूरी तरह से ये जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, काफी अच्छा पैसा भी उन्हें कमा के देने के लिए तैयार है, बशर्ते इनकी मानसिकता अच्छी रखनी होगी, किसी भी ट्रक मालिक हो या ड्राइवर हो इनके साथ में बदतमीजी से पेश नहीं आना होगा, चाहे आरटीओ हो या हो चेक पोस्ट, यहाँ पे जो गुंडे मवाली जो लोग रहते हैं उनके ऊपर में अंकुश लगाना बेहद जरूरी है, ऐसा भी जगजीत सिंह साहब धालीवाल इन्होंने बोला है। और हमारी आवाज आप सरकार तक पहुंचाइएगा, ये बार बार उन्होंने हमें कहा है, और हमारे दो मेहमान नहीं बल्कि हमारे जो 2 लाख मेहमान है जो इंडस्ट्री जो चलाते हैं, मैं मेरे ऐसे लाखों मेहमानों को भी ये कहना चाहूंगा कि डोंट वरी, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे आखिरी सांस तक। इस लॉजिस्टिक इस इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए हमारे कामकाज पूरे तरह से रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने ये भी कहा कि बिल्कुल सही है, मैं और देना चाहता हूँ एक सुझाव। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। वो ऐसा है जैसे मतलब बॉर्डर पे है, वो बोलते हैं कि ड्राइवर के वर्दी नहीं है, अगर वर्दी सब ड्राइवर पहन के जा रहे हैं तो बोले कि भैया वर्दी पहन तो जाने देंगे, नहीं तो नहीं, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स गाड़ी का काम है वो ले आओ भैया जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे सिस्टम में। और रिश्वत दे के तो डॉक्यूमेंट्स सब ओके हो जाते हैं, भर्ती भी आप देखो रोड पे जाके किसी बाई चांस 100 में से 10 ड्राइवर के वर्दी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, तो उसको वर्दी पहनने की जरूरत क्या। जो कानून है उसको पूरा लागू करो ना, कि कंडक्टर के भी वर्दी हो, ड्राइवर के भी वर्दी हो, तो फिर कोई शिकवा गिलवा नहीं है। एक तो जा रहा धड़ल्ले से, एक का चलान कट रहा वर्दी के कारण, क्यों रिश्वत नहीं दे रहा, रिश्वत अभी बंद होगी। बिल्कुल बिल्कुल धालीवाल साहब, अगर कोई कमी चीज है, कोई काम है तो लाओ फिर गाड़ी ले जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। धालीवाल साहब हमारा शासन प्रशासन इसी बातों में अब भी ये समझ नहीं पा रहा है कि नियम कुछ और बनते हैं मगर उसके जो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, जो अमल जो किया जाता है वो होता नहीं है। बहुत जितने रास्ते है ना वो बड़े ही विचित्र तरीके से बनाए गए है, जैसे वर्दी का आपने कहा, वर्दी है, इंश्योरेंस है, हेडलाइट्स है, ओवरलोडिंग माल है, ये तमाम बातें उसमें आती है, और इसके लिए अच्छा कामकाज होना चाहिए, ये भी आपने काफी अच्छी जानकारी दी। आपने बातों बातों में ये भी कह दिया है कि आज हर कोई
कर्जे जो कर्ज है उसके बोझ तले है, हम आपको बता नहीं सकते। और हमेशा कुछ भी अगर इंसिडेंट होती है तो हमेशा ट्रक वालों को कसूरवार माना जाता है, जबकि वो होता नहीं है। गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे, लेकिन गवर्नमेंट दे नहीं रही है। चाहे गुंडे हो, मवाली हो, ये ट्रक ड्राइवर से पैसे छीनते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, और ये सब होने के वजह से आज जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से जमीन दोज होने के कगार पे है। सरकार यदि ध्यान नहीं देगी, वो दिन दूर नहीं कि ये इंडस्ट्री नाम के लिए भी नहीं रहेगी। तो वही वही जल्दी सा मैं आ रहा हूं, मैं आपका तो मैं आखिरी सेक्टर में सेगमेंट में हूँ। तो वही इशू बंसल साहब ने भी एक बात कही है कि वो सरकार को, उनका ये मानना है कि सरकार को तमाम बातों की जानकारी है, लेकिन वे अमल नहीं करना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो रही है, क्यों शौचालय व्यवहार होने जा रहा है, ये अब तक समझ से परे है। और सिस्टम को अच्छा करना ये बहुत ही जरूरी है, तो टेक्नोलॉजी को भी मजबूत होना पड़ेगा, और उसके लिए हमें भी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझना चाहिए। और बार 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 इस ऐसे कामकाज से ड्राइवर भाग रहे हैं, कामकाज नहीं हो रहा है, इसलिए ट्रक के जो पहिए वो रुक रहे हैं। ट्रक के पहिए जिंदगी में कभी भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों का नुकसान देश का होता है और देश के नागरिकों का होता है। और रिश्वतखोरी पूरी तरह से बंद हो, ऐसा भी इशू बंसल साहब आपने फरमाया है। सिस्टम अच्छे से काम करे, कंप्यूटर अच्छा है मगर कंप्यूटर चलाने वाले के मन में मैला है, यानी उसके इसमें गंदगी है, सोच करप्शन उसके मन में आता है, फिर कंप्यूटर पे आता है। तो जो कंप्यूटर को जो कंट्रोल कर रहा है, उसको जो चला रहा है, उसने अपडेट अच्छे से रहना चाहिए, उसके मन में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की बू नहीं आना चाहिए, यह आपने कहा है। टोल नाके तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसे आपने कहा, क्योंकि ये वही व्यक्ति कहता है कि जिन्हें इसका तजुर्बा आया हो, बार 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 जो प्रताड़ित हो रहे लोग इससे उब चुके हैं, इसीलिए लोग मजबूर वश सरकार आपसे ये कह रही है कि टोल नाके पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी पर सरकार अच्छा काम काज कर रही है, मगर वो उन लोगों तक अब तक नहीं पहुंच पा रही है जिन्हें वहां तक पहुंचना चाहिए था। और इसी वजह से अधिकारी लोग, और ट्रक ड्राइवर हो, मालिक हो, या इंडस्ट्री से चलाने वाले जो लोग हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं हो रहा है, और इसी का गलत फायदा उठाते हुए गुंडों द्वारा लूटा जा रहा है और बार बार इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो दर्शकों, ये थे हमारे दोनों मेहमान जिन्होंने वक्फ़ विभाग के साथ बात करते हुए अब अपनी बात रखी। अगली बार ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इस विषय को लेकर हम और भी हमारे पूरे भारतवर्ष से और भारत के बाहर से हमारे जो इस इंडस्ट्री को चलाने वाले जो ओनर है, मेहमान है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल इनबीसीएन टीवी नागपुर। और हमारे दोनों मेहमानों का मैं फिर से एक बार स्वागत भी है, इस्तकबाल भी करता हूँ। और आपने समय में समय निकालकर आज इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई, जो आपने शिरकत की, जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ यह कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, ऐसा मैं कहता हूँ। और मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार जी।